नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस वक्त नीतीश और तेजस्वी एक मंच पर थे, उस वक्त कई लोगों के अरमान जाग रहे थे। जब दो नेता अलग अलग धुरियों के एक साथ आते हैं और संभावनाएं राजनीति में बढ़ जाती हैं, तो कई लोगों के मन में बैठे हुए उमंग हिलोरे मारने लगते हैं। राजनीति में उमंग का तात्पर्य है पद की लोलुपता। बिहार में मंत्री पद के लिए जिस तरह की होड़ लगती है, जिस तरह की सेल लगती है और जिस तरह से एक दूसरे का काट छाट शुरू कर दिया जाता है, सर्जरी शुरू किया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं कि दो नेता ये तय नहीं कर सकते हैं कि गठबंधन कैसे चलेगा, किससे चलेगा और कितने दिन चलेगा। इसके लिए पूरी पार्टी और पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पार्टी का, विचारधारा सहित तय होता है। और जब नीतीश कुमार जैसे नेता एकाएक पाला बदल कर लालू यादव के साथ चले जाते हैं या लालू यादव को छोड़कर भाजपा में वापसी कर लेते हैं, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर जिसका विरोध कर रहे थे उसके साथ कैसे बैठेंगे? साथ बैठे थे तो विरोध कैसे करेंगे? कल तक जिसके साथ थे उसके खिलाफ जुलूस कैसे निकालेंगे? उसकी तस्वीर कैसे जलाएंगे? काले कैसे पोतेंगे? गाड़ियों को रोकेंगे कैसे? काले झंडे कैसे दिखाएंगे? और जब भीड़ लगाई जाती है तो नारे कैसे बोले जाएंगे? इन सब के बीच कहीं ना कहीं पॉपुलर जो बिलीफ है उसके अगेंस्ट नीतीश और तेजस्वी एक मंच पर आए। और देखिए, संभावनाएं ऐसी होती हैं कि जिस दरवाजे पे वो खड़े थे एक साथ, वो दरवाजा नरेंद्र मोदी का था। यानी नीतीश कुमार एक ऐसे कॉमन व्यक्ति थे जिसने दोनों के साथ कभी ना कभी गठबंधन किया था। अब ये नीतीश कुमार की मौका परस्ती है या बिहार की राजनीति में चलने वाला उनका सिक्का है कि दोनों तरफ से हेड या टेल सरकार उन्हीं की बनती है। ये ताकत है नीतीश कुमार की जो उन्होंने पिछले 15 सालों में अर्जित की है। अब नीतीश तेजस्वी के एक मंच पर आ जाने से जो अरमाने हिलोड़े मारने लगी अलग अलग पार्टी के लोगों के, सत्ता से बहुत दूर है, राजद नंबर वन पार्टी है, कई लोग मंत्री बनना चाहते थे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये सब कुछ नहीं हो पाया। नंबर वन पार्टी होने के बावजूद राजद सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन एक पीछे का रास्ता दिखता है जो 2017 में सुशील मोदी के माध्यम से भाजपा को दिखा। और जब ये दोनों सामने खड़े हो गए और एक दूसरे के साथ इतने सहज नजर आने लगे, तो बिहार के पुराने पत्रकार भी गाना गाने लगे कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। और इस कारण से आज ये चर्चा लाजमी हो गई है कि नीतीश तेजस्वी वापस एक साथ आ सकते हैं। मैं बता सकता हूं आपको, पंचनामा में मैंने बताया भी है, बाबा खूटा ठोक में बता सकते हैं और अन्य विश्लेषक अपने अपने खबरों में बता सकते हैं। पैटर्न देखकर, ब्रेड क्रम्स देखकर हम उन्हें चीटियों की तरह फॉलो करने लगते हैं। लेकिन खबर तभी सत्यापित होती है जब नेता अपने मुख मधुर से उन बातों को बोल देते हैं। नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि आप तेजस्वी के साथ खड़े हैं, तो उन्होंने बहुत सहजता से तेजस्वी की ओर माइक कर दिया और बताया कि ये हमारे पास आए थे लेकर ये मुद्दा, इसलिए आज हम इनके साथ यहां खड़े हैं। और यही नहीं, एक तरफ देखिए मांझी जी भी खड़े हैं, एक तरफ मुकेश सहनी खड़े हैं और पीछे भाजपा के लोग भी हैं। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की तरफ जब कमान धीरे से बढ़ा देते हैं नीतीश, तो लगता है कि चाचा एक बार फिर से भतीजे के प्रेम में कुर्सी भी दे दे। लेकिन हमने आपको समझा दिया है कि यह अभी फिलहाल संभव नहीं है। तो फिर जब नीतीश कुमार ने अपनी बात रख दी, तो तेजस्वी यादव की बात तो सुनना पड़ेगा ना। तेजस्वी यादव आखिर इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं? तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को जिस तरीके से नीतीश कुमार से अलग होना पड़ा था 2015 की स्थितियों में, 17 की स्थितियों में माफ कीजिए, तो एक बात उस वक्त ही आ गई थी कि तेजस्वी नीतीश को सीएम रहते उनके साथ कोई गठबंधन या कोई समझौता नहीं करेंगे। राजद ने कई बार ऑफर दिए, रघुवंश प्रसाद से लेकर भाई वीरेंद्र तक लगातार ऑफरें भेजी गईं, यहां तक कि श्याम रजक ने बहुत आगे बढ़कर बुलावा भी दे दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद ये दोनों एक नहीं हो पाए। इसका कारण है नीतीश कुमार तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं और तेजस्वी यादव नीतीश के मुख्यमंत्री रहते गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह डेडलॉक है और यहां पर कोई रास्ता निकलता नहीं है। लेकिन संभावनाएं असीमित है, दो नेता अलग अलग विचारधारा के, जब इतने बड़े वोट बैंक के मालिक आपस में जब मिलते हैं तो जमींदारी बड़ी हो जाती है। और इस जमींदारी से भाजपा को डर लगना चाहिए, भाजपा डर भी रही है, भाजपा में दो फाड़ भी हो गया है। भाजपा इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए गिरिराज सिंह को धीरे से आगे कर देती है और जातिगत जनगणना से
ध्यान भटकाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून की तरफ मुड़ना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी यादव ने कुछ बयान ऐसे दे दिए हैं जिनके चलते ये लग रहा है कि अब नीतीश और उनकी दोस्ती बिल्कुल तय है। देखिए, रातों रात ये सब कुछ तय नहीं होता है। ये तय नहीं हो जाता है कि कल सुबह शादी कर लेना है, ये तय नहीं हो जाता है कि कल गठबंधन तोड़ देना है। इसके लिए एक समय लगता है। 2017 की स्थितियों में हमने बहुत नजदीक से देखा था और मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे सुशील मोदी 1.5 साल तक नीतीश कुमार को कन्विंस करते रहे, पर्दे के पीछे मुलाकातें होती रहीं और अंततः वो मुलाकातें मित्रता में कन्वर्ट हुई और फिर जाकर एक रास्ता बना जिस रास्ते से नीतीश कुमार धीरे से स्वेज कनाल होते हुए एंट्री कर गए एनडीए में। अब यही रास्ता लालू यादव बना रहे हैं और लालू यादव की बात मानकर, खबर देखिए अंदर की है, लालू यादव की बात मानकर तेजस्वी यादव ने यह मान लिया है कि अगर नीतीश कुमार को आज भाजपा को छोड़ना पड़े तो हम भी एक महत्वाकांक्षा छोड़ दें और एक हट छोड़ दें कि नीतीश अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो हम उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। याद है आपको बयान, कुर्सी छोड़कर आइए गठबंधन करना, तो वो कुर्सी तेजस्वी की है। ये पॉपुलर बयान लगातार राजद की तरफ से आ रहा था। अब खबर ये आ रही है और तेजस्वी यादव ने धन्यवाद भी दिया है नीतीश कुमार को और ये भी कहा है कि नीतीश जी, पत्रकार ने जब पूछा तो कि नीतीश जी जब जब इन मुद्दों पर सामने आएंगे हमारा साथ हमेशा मिलेगा, हमने तो हमेशा साथ दिया है। आपको याद होगा लॉकडाउन के दौरान मैंने लगातार आपको बताया था कि बहुत चुपके चुपके नीतीश कुमार और तेजस्वी एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, भाजपा से जदयू की लड़ाई हो रही है लेकिन नीतीश कुमार को राय देने में तेजस्वी यादव पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको याद होगा जो सशक्त कानून बिल जो लाया जा रहा था बिहार में, उस पर भी तेजस्वी यादव ने मुलाकात की थी नीतीश कुमार से, उन्हें राय दी थी। कोरोना के दौरान भी ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी तेजस्वी यादव ने लॉकडाउन लगाने की मांग की थी नीतीश कुमार से और सलाह दी थी कि लगा दीजिए, समस्याओं में फंसने से अच्छा है कि उन्हें पहले ही सॉल्व कर दिया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा पत्रकारों से कि हम तो हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं नीतीश जी को, जब वो सही करते हैं तो हम उनके साथ खड़े मिलते हैं। आप देख लीजिए किस तरह से ओबीसी जो जनगणना है इस पर नीतीश कुमार हमारे साथ, हम उनके साथ लगातार नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर खड़े हैं और भाजपा को हम मजबूर करेंगे और आने वाले समय में नीतीश कुमार जब भी कमजोर पड़ेंगे। देखिए, आने वाले समय की बात क्यों की जा रही है, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून आना है, फिर से CA NRC की चर्चाएं शुरू होंगी और इन सब पर नीतीश कुमार को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव ने रामबाण छोड़ दिया है। अब इसके पीछे लालू यादव का क्या रणनीति है ये तो हमने पंचनामा में पहले ही आपको समझा दिया, लेकिन एक बात आप तय मानिए कि तेजस्वी यादव ने फॉर टाइम बीइंग नीतीश कुमार को इस तरफ आने का न्योता भी दे दिया है, धन्यवाद भी दे दिया है और एक रास्ता जो कहीं ना कहीं बंद कर रखा था, याद है नो एंट्री वाला साइन तेज प्रताप लेके से खड़े थे, उसको भी हटा दिया गया है और तेज प्रताप यादव की जो राजनीतिक क्षमताएं हैं उनको भी कम कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं एक बहुत शांत सा रास्ता बनाया जा रहा है, जब मछली पकड़ा जाता है तो समुद्र में हिलोरा नहीं मारा जाता है, हल्का रखा जाता है सब कुछ ताकि शांति के चलते मछली समझ नहीं पाए कि जाल कहां से गिरेगा। नीतीश कुमार पर एक राजनीतिक जाल इसी तरह का फेंकने की तैयारी राजद कर रही है। इसके पीछे की संभावनाएं क्या है, इसके पीछे महत्वाकांक्षाएं क्या है, इन सब की चर्चा हम पंचनामा में करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। तेजस्वी यादव ने अपने मुंह से ये बात जरूर कह दी है कि वो नीतीश के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, धन्यवाद भी दिया है। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।